सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और यूपी में भी आजादी का जश्न मनाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में एमएससी रामचंद प्रधान के नेतृत्व में लखनऊ के 1090 चौराहे से उन्नाव तक 75 किलोमीटर की सफल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमएलसी रामचंद्र प्रधान के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, लखनऊ से उन्नाव तक निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। एमएलसी रामचंद्र प्रधान के साथ हजारों कार्यकर्ता रहे मौजूद। एमएलसी रामचंद्र प्रधान का लोगों ने जगह जगह किया भव्य स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान की मंगलवार से शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के सभी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ महानगर की तिरंगा बाइक यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कड़ी में एमएलसी रामचंद्र प्रधान के नेतृत्व में लखनऊ के 1090 चौराहे से उन्नाव तक 75 किलोमीटर की सफल तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं आजादी के, उस पर आज राजधानी लखनऊ से एक 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकल रही है। एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकलेगी, अब से थोड़ी देर में वो शुरू होगी और इस वक्त वो एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई, क्योंकि 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, एक अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा आज आप लोग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कितना जरूरी है हर देशवासी के अंदर इस तरह की भावना होने? देखिए, अमृत महोत्सव आज 75वां वर्षगांठ है ये, और इसको हम लोग इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि पूरा देश, आज पूरे देश का हर नागरिक, चाहे वो गांव के हों, चाहे शहर के लोग हों, चाहे जो जिस तबके के लोग हों, सब लोग इसको अमृत महोत्सव को बड़ा महत्वपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। और इसको हम लोग बहुत इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखना, एक सूत्र में बांधे रखते हुए नौजवानों के अंदर देश प्रेम, जो आज पहले की भावना और भावनाओं में बदलाव आ गया। पहले क्या होता था, जब कभी हम लोग छोटे से पढ़ते थे तो उस समय स्कूलों में या सरकारी दफ्तरों में ही मनाया जाता था, लेकिन अब इस भावना से ये एक जन आंदोलन बन गया। हर व्यक्ति को, हर घर पे तिरंगा, हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की जागरण करना, ये एक उद्देश्य है। आज आपकी जो तिरंगा यात्रा है वो 1090 से शुरू होगी, उन्नाव तक जाने का आपका प्लान है, तो 75 किलोमीटर आप लोगों ने सोचा है कि 75 किलोमीटर करीब हम जाएंगे, कितनी तादाद में लोग आपके साथ मौजूद हैं आज और कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, ये 75वां वर्ष है और 75वां अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं इसको, तो इसे लखनऊ से उन्नाव तक की ये 75 किलोमीटर की यात्रा है। और इस 75 किलोमीटर की यात्रा में हमारे लखनऊ जिले के, उन्नाव जिले के, चूँकि मैं ग्राम प्रधान, BDC, इन सब ने मुझे चुन के भेजा है, इसमें 70% ऐसे लोग ही भागीदारी कर रहे हैं और इसको हम लोग 75 किलोमीटर तक ले जा रहे हैं। और इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 4000 से अबव होंगे, 4000 से ज़्यादा लोग होंगे जो मोटरसाइकिल कारों से अपनी यात्रा। ठीक है, तो सर बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और अब ये जो यात्रा है वो शुरू होगी और आप देख सकते हैं जो है बहुत ही यहाँ पर गौरवान्वित हो रहा है, क्योंकि लगातार जो नारे हैं देश के वो लग रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। और थोड़ी देर में ये जो तिरंगा यात्रा है यहाँ 1090 चौराहे से शुरू होगी, उसके बाद उन्नाव के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं इस यात्रा में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए, साथ ही इस दौरान बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहे। बता दें कि 9 से 15 अगस्त तक बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, जिसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच 3 करोड़ परिवारों के घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।